खबर रीवा जिले के जवा तहसील अंतर्गत रामबाग में इलाज में लापरवाही के कारण एक गर्भवती महिला की मौत हो गई। स्वास्थ्य महकमे की जांच में नर्सिंग होम फर्जी निकला। अवैध रूप से संचालित नर्सिंग होम को स्वास्थ्य महकमे ने सील कर दिया है। जवा तहसील अंतर्गत रामबाग स्थित बरगढ़ रोड पर चिंतामणि तिवारी के मकान पर देव नर्सिंग होम संचालित है, जिसके बोर्ड पर लिखा है हमारे यहाँ सभी प्रकार के ऑपरेशन किए जाते हैं और भर्ती की सुविधा उपलब्ध है। झोला छाप डॉक्टर के द्वारा संचालित फर्जी देव नर्सिंग होम में डिलीवरी के दौरान महिला की तबीयत बिगड़ती देखकर नर्सिंग होम संचालक मोहित पांडे और उसकी पत्नी पल्लवी पांडे पीड़ित महिला को प्रयागराज लेकर चले गए, जहां उस महिला की मौत हो गई। महिला की मौत से गुस्साए लोगों ने जमकर बवाल किया है और रामबाग चौराहे पर रोड जाम कर दिया है। लोग मुआवजे की मांग कर रहे थे और नर्सिंग होम संचालक मोहित पांडे और उसकी पत्नी पल्लवी पांडे के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की मांग कर रहे हैं। मृतक महिला अर्चना तिवारी उम्र 30 वर्ष, पति पवन तिवारी निवासी रैकवार की बताई जाती। परिवार के लोगों ने बताया कि 23 तारीख को देव नर्सिंग होम में भर्ती किया था। 25 तारीख को एक बच्चे का जन्म हुआ, उसके बाद से पीड़ित महिला अर्चना तिवारी की तबीयत बिगड़ने लगी, जिसके बाद नर्सिंग होम के डॉक्टरों ने कहा खून की कमी होने के कारण तबीयत बिगड़ने का कारण बताया। उसके बाद अर्चना के पति पवन तिवारी ने रीवा जाकर ब्लड बैंक से खून की व्यवस्था कर नर्सिंग होम आया। खून चढ़ाने के बाद महिला खून की उल्टियां करने लगी और तबीयत खराब हो जाने के कारण नर्सिंग होम संचालक डॉक्टर मोहित पांडे ने कहा कि इनको प्रयागराज लेके जाना पड़ेगा, जिसके बाद 29 तारीख को प्रयागराज लेकर चले गए। वहां 30 तारीख को डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया, जिसके बाद प्रयागराज में झोला छाप डॉक्टर मोहित पांडे वहां से गायब हो गया और परिजन मृत महिला को रामबाग लेकर चले आए। वहीं परिजनों ने रामबाग चौराहे पर जाम लगा दिया, जिसके बाद आवागमन पूरी तरह से बाधित हो गया। इसकी जानकारी जैसे ही प्रशासन को लगी, पनवार थाना प्रभारी अपने दल बल के साथ मौके पर पहुंचे। आक्रोशित भीड़ को देखते हुए जवा अतरेला थाना प्रभारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंची। वहीं SDM PK पांडे, तहसीलदार उमेश तिवारी, BMO ज्ञानेन्द्र त्रिपाठी, SDOP वीरेन्द्र सिंह मौके पर पहुंचे और परिजनों को समझा बुझाकर सबका पोस्टमार्टम के लिए राजी कर लिया और देव नर्सिंग होम का ताला तोड़कर नर्सिंग होम की तलाशी ली, जिसमें नर्सिंग होम के अंदर सर्जरी के कई औजार मिले, जिससे कि मालूम होता है कि नर्सिंग होम में अवैध तरीके से महिलाओं के गर्भपात कराए जाते हैं। नर्सिंग होम में ऑपरेशन थिएटर बनाया था, जिसमें ऐसे औजार प्राप्त हुए हैं जो कि एक सर्जन ही उपयोग करते हैं। मौके पर नर्सिंग होम को सील कर दिया गया है। विजय सागर बुलाओ। संबल में है तुम्हारा नाम? संबल में मेरा नाम नहीं है। मेरे बीवी के पेट में बच्चा था जी। फिर दर्द नहीं आ रहा था तो इनको लाया दिखाने। एक दिन तो बोले लाओ भर्ती कर दो, तो भर्ती मैं करने के लिए लाया 23 तारीख को 12 बजे। 12 बजे लाया तो भर्ती कर दिया। मेरे से बोले 50,000 रुपये खर्चा आएगा, तो मैं 35,000 जमा किया और बोले आगे पीछे देते रहने। फिर 25 तारीख को मेरी बीवी के ऑपरेशन किए और उसके पेट से बच्चा निकाले। फिर 24 तारीख को बिल्कुल मेरी बीवी का एकदम तकलीफ बढ़ गया और हालत ख़राब हो गई। फिर इसके बाद फिर वो इलाहाबाद लेके गए। इलाहाबाद लेके गए, फिर वहाँ इलाज किए। और डॉक्टर लेके गए? डॉक्टर ये लेके गए देव नर्सिंग होम वाले। फिर वहाँ और हालत ख़राब हो गई। कल मेरी बीवी का शाम के 8 बजे देहांत हो गया। अब क्या चाहते हैं आप? मैं यही अनुरोध चाहता हूँ कि इंसाफ मुझे मिले, है ना। अरे आपको पता था कि ये फर्जी डॉक्टर है? मेरे को नहीं पता था कि ये फर्जी डॉक्टर है। SDM साहब की उपस्थिति में जांच की गई है नर्सिंग होम का ताला खोल करके, और वहां पे देखने में पाया गया कि ऑपरेशन से संबंधित उपकरण उपलब्ध थे और ये किसी डॉक्टर के नाम से रजिस्टर्ड है। SCCMO साहब के ऑफिस से जानकारी प्राप्त हुई है। आज अवकाश होने की वजह से पूरी जानकारी मिलने में थोड़ा विलम्ब हो रहा है। शीघ्र ही सूचना उपलब्ध हो जाएगी कि ये नर्सिंग होम किस डॉक्टर के नाम से रजिस्टर्ड है और उनके पास क्या डिग्री है, क्या उनको इस प्रकार के उपकरण रखने की पात्रता है कि नहीं है। उसमें अभी उनसे चर्चा हुई है परिजनों से जी। उनके द्वारा बताया गया है कि 25 तारीख से महिला भर्ती थी, करीब 8 दिन भर्ती थी, ऑपरेशन हुआ और फिर जो यहाँ देव क्लिनिक के जो डॉक्टर हैं इनके द्वारा ब्लड चढ़ा दिया गया
जिसके कारण उसकी तबीयत जो है ज़्यादा ख़राब हो गई। फिर ये डॉक्टर खुद उसको इलाहाबाद लेकर के किसी अस्पताल में गए हैं और वहाँ पे उसकी महिला की मृत्यु हो गई है। हमारे पूरे प्रशासन की बहुत संवेदना है परिवार, पीड़ित परिवार के साथ में, और पुलिस भी आई हुई है और उनकी FIR वगैरह ले करके और उसमें आपराधिक प्रकरण जो भी नियम में आएगा वो दर्ज करके और आगे कार्रवाई की जाएगी। सर, लोगों का ये भी कहना है सर कि यहाँ क्षेत्र पे जो ये देव नर्सिंग होम है इसमें गर्भपात कराया जाता था और इस संबंध में कोई मतलब कार्रवाई भी नहीं होती है चिकित्सा अधिकारी द्वारा? नहीं, इस संबंध में अगर लोग कोई बयान देंगे, कोई साक्ष्य देंगे, पुलिस के पास जब प्रकरण दर्ज होगा तो वो जो है अगर ऐसा कोई साक्ष्य मिलेगा उनको कार्रवाई करेगी। सर, क्षेत्र में फर्जी डॉक्टर हैं, बहुत तेजी से उभर रहे हैं, तो इन पे सख्ती से कार्रवाई कब होगी सर? इसमें अभी टीम गठित कर रहे हैं और जिला स्तरीय टीम भी बनेगी, इसमें दो टीमें बनेगी और इसमें कार्रवाई की जाएगी। ये टीम मेरे लेवल की जो है वो तो मैं बहुत जल्दी गठित कर दूँगा और इसमें इस प्रकार की जो क्लिनिकें अवैध रूप से संचालित हो रही हैं और इस प्रकार की घटनाएं हो रही हैं तो ऐसे डॉक्टरों को जिनके पास में कोई प्रॉपर डिग्री वगैरह नहीं है उसकी जांच करके और कार्रवाई की जाएगी।